ये भी दर्शन के लिए आया है। तो दोस्तों ये देखो कितना प्यारा, ओम नमः शिवाय। अब हम यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने आ गए और यहाँ विश्वकर्मा का मंदिर है। चलें, आओ आकाश। हाँ मामा, देखें, देखते हैं, चलिए अंदर। एक पहले फोटो खिंचा लिया जाए, इनका पहले फोटो खींचेगा फिर ये अंदर चलेंगे। बहुत तेज हो रहा है। आओ दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान है यहाँ पे। अंदर प्रवेश करना मना है। नागेश्वर, केदारनाथ, विश्वेश्वर, वैद्यनाथ, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वर, भीमाशंकर, त्रिम्बकेश्वर, मंदिर, सोमनाथ। और ये है हमारे फाइनली। छोटा सा पपी है, देखो दोस्तों, ये भी दर्शन के लिए आया है। उठा लूं मैं? उठा ले या नहीं? ओहो एनी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ परिक्रमा लगाए हम। दोस्तों यहाँ हमने 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ दर्शन कर लिए और हम इनकी परिक्रमा भी लगा रहे हैं। अगर जिंदगी में वैसे कोशिश करेंगे कि सभी जगह जाएं और अपने ज्योतिर्लिंग जितने हमारे 12 हैं हम सारे ही दर्शन कर पाएं, लेकिन आधा कटा हुआ है। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक साथ तो हम कर ही लें यहाँ पे दर्शन। और दोस्तों एक यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये खम्भा देखना, हाफ रह गया। नहीं नहीं, ऐसा डिज़ाइन है शालिनी, नहीं कहीं भी नहीं है। ये रहा एक ऐसे यहाँ भी है। ओहो शालिनी को समझिए, मैं जरा शालिनी को। ओके, ओ सॉरी, यहाँ हमने माथा नहीं टेका, इसलिए ऐसे बनाया हुआ है। तो मैं बताने के लिए तुम परिक्रमा करो तो भूल ना जाओ बैक साइड में पहुंच गए हो। हाँ, ये एहसास दिलाया जा रहा है हमारे को, हैं? हाँ। और इस तरह हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। ये देखो वो सामने है और बाहर हमारे शनि देव जी का मंदिर है। जय हो, बैल बजा दें हम। पीछे हमारे शनि देव जी महाराज की जय। आज हम शनि देव जी के शनि सिग्नापुर भी गए थे। चलो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि अब यहाँ से शिरडी पहुँचने में हमें कम से 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। रास्ते में कहीं ब्रेक भी लेंगे, चाय पियेंगे। आज पूरा दिन बहुत हैटिक वाला था लेकिन मज़ा बहुत आया दोस्तों, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। दोस्तों आज आप विश्वकर्मा मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। आके चाय आगे कैसी लग रही है? थोड़ी मीठी है, कुछ ज्यादा थोड़ी सी मीठी है। रैम हो, क्या हाल चाल तेरे? हाथ लगाओ ना उसे। खाएगा बिस्किट, खाएगा बिस्किट, बिस्किट लाओ इसके लिए। अब यारी दोस्ती हो गई हमारी इससे। हाँ। है दोस्तों, अब देखो खेल रहा है, खा रहा तो। और खाएगा बिस्किट, इसके लिए एक बिस्किट और लाओ। सेट 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 रेमो, सेट सेट रेमो, आराम से खाओ रेमो। लाओ हाँ भाई, अखिया जा बैठ जा, रेमो को बिस्किट खिलाने का है। रेमो देखो ऐसे हाथ भी लगाने का, डायरेक्ट खाएगा वो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाथ ही मार रहा है, आराम से खाने का, हाथ नहीं मारने का, हम तेरे को नीचे ही खिलाने का। समझ रहे हो, समझ रहे हो? बाय 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 करो। वाह क्या हाईवे है, मस्त, क्या कर बना हुआ है।
गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हों। और अब हमारा यहाँ से पैकिंग का टाइम हो गया, हम लोग शिरडी से पहले पूना पहुँचेंगे, पूना से फिर हमारी जयपुर की ट्रेन है। हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, ये देखो शालिनी लगी हुई है तैयारी करने में, पैकिंग करने में, मेरा यही काम है। एज यूजुअल एनी को हमेशा फोन खेलना होता है, अक्की को लट्टू खेलना है। और चलो दोस्तों, यहाँ हमने 10-12 दिन बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। तो गाइज आप देख सकते हैं ये दोनों गुड़िया ट्विंस हैं। बड़ा कौन है ये बताओ पहले आप दोनों में से? अच्छा आप बड़े हो, आप तो छोटे लग रहे, हाइट पे थोड़ा सा है। नहीं नाश्ता कर लिया तूने? ओहो शाम में तो चाय पीने में, अक्की की कोल्ड कॉफी आने वाली है, तेरी भी कोल्ड कॉफी आ रही है। हमको मैकडी खाना था। मैकडी के लिए टाइम नहीं है, अरे तो चाय तो तुरंत हो जाती है। तो दोस्तों ये आ गया है आलू का पराठा नाश्ते में, क्योंकि अभी हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं, तो पहले नाश्ता कर ले फटाफट से। तो हमारे मन पसंद का आया है, देखो हमारी कोल्ड कॉफी आ चुकी है, ये पराठे खाए जा रहे हैं। यहाँ का लोकल मार्केट देखो, जल्दी चलो जल्दी चलो, अरे जल्दी। डैडी और अक्की जाते हुए निकल चुके हैं घर से, ना भी मंजिल है ना कोई साथी। डैडी अक्की को तड़ी भाग करते हुए, तो दोस्तों फाइनली हम लोग कोपरगांव स्टेशन पहुंच चुके हैं और बस हमारी ट्रेन आने वाली है पूना वाली, फिर यहां से हम चलते हैं। तो डॉगी ने सही जुगाड़ लगाया है, यहाँ हल्की शेड आ रही है और इस शेड के नीचे कितना आराम से सो गया है। आ गई हमारी झेलम। क्या है? बॉल नीचे गिर गई, मुंह में नहीं घुसी। रहन दो, एक और नीचे गिराए जा रहे हैं। मम्मी रहन दो, छोटी बच्ची हो क्या? देखा पूरा देखा। दोस्तों आप देख सकते हैं हॉलीडे खत्म होने वाले हैं और लैपटॉप खुल चुका है। इनको लगा टाइम पास करने का सबसे बढ़िया साधन है कि एडिटिंग कर ली जाए वीडियो की। ओहो दिमाग क्या खराब हुआ है आप बताएं, हमारी जनता जवाब जानना चाहती है आपसे। मेरे को पूरे नेट नहीं मिला। ओहो वाईफाई नहीं मिला आपको? ऐसी मासूमियत से शक्ल बनाई है। और मैंने ले रखा था इसका लाइफ टाइम का पर्चे, लेकिन अभी मुझसे दोबारा पैसे मांग रहा है। दोबारा पैसे मत मांगो भैया, दोबारा पैसे मांगना गुनाह है। आज तो पूरा चांद निकला है और आज उनकी वाली बातें हम ऐसी वाली बातें करने वाले हैं।